किसी भी पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग शुभ और शुद्ध माना गया है। खास तौर पर विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको तुलसी की एक रोचक कथा बताएंगे जिसमें तुलसी की शादी एक दैत्य से हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों का राजा दंभ था। वो विष्णु भक्त था। बहुत समय तक जब उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। दंभ दैत्य को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड था। शंखचूड जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं, मुझे कोई देवता न हरा सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि तुम अब बद्री बन जाओ। वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड बद्री बन गया। वहाँ तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वो भी आकर्षित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा वहाँ आए और उन्होंने शंखचूड को गंधर्व विधि से तुलसी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड ने ऐसा ही किया। तुलसी जी से विवाह के पश्चात शंखचूड और भी शक्तिशाली हो गया। शंखचूड श्री कृष्ण का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था। उसने अपने बल से समस्त देवताओं पर भी विजय प्राप्त हासिल कर ली थी। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर देवता भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि शंखचूड का वध शिव जी के त्रिशूल से ही संभव है। कहा जाता है कि जैसे ही शिव जी ने अपना त्रिशूल शंखचूड को मारने के लिए उठाया, ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि जब तक श्री विष्णु का दिया हुआ कवच शंखचूड के पास है और जब तक उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग नहीं होता, तब तक शंखचूड को मारना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड ने वो कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड का रूप बनाकर तुलसी के पास आए। अपने पति को देख तुलसी ने उनका आदर सत्कार किया, किंतु पति के रूप में आए विष्णु जी को स्पर्श करते ही वो समझ गई कि वो उसका स्वामी नहीं है। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि शंखचूड का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया है, तब क्रोध में आकर तुलसी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि वो एक पत्थर में तब्दील हो जाएं। विष्णु जी ने तुलसी जी को बताया कि उन्होंने विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की है, इसलिए अब समय आ गया है कि वो अपने इस शरीर को त्याग कर एक दिव्य शरीर धारण करे। भगवान विष्णु ने तुलसी जी से कहा कि तुम्हारा यह दिव्य शरीर नदी के रूप में बदल जाएगा और गंडकी नदी के नाम से जाना जाएगा और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे और भविष्य में लोग तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह कर पुण्य अर्जित करेंगे। काले रंग के चिकने पत्थर को भगवान शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। यह पत्थर विशेष रूप से नेपाल स्थित गंडकी नदी में पाए जाते हैं। कहते हैं भगवान शालिग्राम को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए शालिग्राम के पत्थर पर तुलसी का पत्ता अर्पित करने से वो अपने भक्तों की सारी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं।